शादी के 3 साल के बाद सास ने बहू से पूछा, बहू मुझे एक बात तो बता, मैं तुझे इतनी खराब और खरी खरी बातें सुनाती हूँ और तू पलट कर जवाब भी नहीं देती और गुस्सा भी नहीं करती और बस हंसती रहती है। बहू को तो जैसे सुनाने को कहानी मिल गई। कहने लगी, अम्मा जी आपको एक बात सुनाती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं, क्योंकि वो मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और कोई काम गलत हो जाता तो मुझे डांट भी पड़ती और कभी कभी मार भी देती थी। लेकिन माँ थी वो मेरी, मुझे उनसे डर भी लगता था और मैंने उनसे कभी गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि मैं कॉलेज से थकी हुई वापस आती तो आते ही कुछ देर आराम के बाद मुझे काम करने होते थे। फिर जब मेरी भाभियाँ आईं तब तो जैसे मेरे काम ज्यादा ही बढ़ गए। होना तो चाहिए था कि बहू आई तो सारी जिम्मेदारियाँ उस पर डाल दी जाती, लेकिन मेरी अम्मी ने फिर भी मुझसे सारा काम करवाया और कभी भी भाभियों को नहीं डांटा, बल्कि उनके काम भी मुझे कहती थी कि कर दो खैर है फिर क्या होता है। उनका एक ये जुमला मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहती, खैर है बेटी, अगले घर जाकर तुझे मुश्किल नहीं होगी। और मैं इस जुमले से चिढ़ गई थी। जब मेरी शादी थी तो 2 दिन पहले मुझे अम्मी ने प्यार से अपने पास बिठाया और बोली, बेटा आज तक समझ मैं तेरी सास थी, मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है और तुझे बता दिया कि सास कैसी होती है। अब आज से मैं तेरी माँ हूँ, अब तेरी शादी हो रही है तो बेटा जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना कि जैसे मैं कहती थी वैसे ही तेरी माँ तुझे डांट रही है। बस यही बात थी कि मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे प्रैक्टिस करवा के भेजा है। और अम्मा जी आपने तो कभी इतना डांटा ही नहीं जितना अम्मी डांटती थी। तौबा तौबा। बहू हंसती हुई किचन में चली गई और सास सोचती रही कि क्या वाकई बेटियों की तरबियत ऐसी होनी चाहिए। रब ताला तमाम बहन बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। आमीन।